तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निक अंदर में। दोस्तों अगर आप इसने वीडियो ऐप पर अगर वीडियो बनाते हैं और आप सोचते हैं कि मेरा वीडियो वायरल क्यों नहीं हो रहा, तो आज मैं आपके लिए वीडियो खास लेके आया हूँ। अगर आप चाहते हैं अपना वीडियो वायरल करना इसने वीडियो ऐप है, तो आप इस वीडियो को जो है बिना स्किप करिए शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें मैं आपको ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिसके जरिए आप जो है अपना वीडियो वायरल कर सकते हैं। जी दोस्तों, तो ज़्यादा बड़ा ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आपने देखा होगा कि कई आप जो वीडियो देखते हैं इसमें वीडियो ऐप है उस पर कई वीडियो ऐसे हैं जो बेगर फालतू के होते हैं, बट लेकिन वो वायरल हो जाते हैं और फिर आप सोचते हो कि मेरा वीडियो वायरल नहीं हो रहा यार, इनके वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरा वीडियो वायरल हो जाए। तो आप ये सारी चीज़ें सोचते होंगे, तो मैं आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करूँगा कि आप अपना वीडियो जो है कैसे वायरल कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आप अगर इसने वीडियो ऐप पे जाते हैं और आप वीडियोस बनाते हैं और वीडियोस बनाने के बाद में भी आपका वीडियोस जो है वायरल नहीं हो रहा, आपने 10-15 वीडियो या हो सकता है 50 वीडियो आपने अपलोड करती हो, बट लेकिन फिर भी आपका वीडियो वायरल नहीं हो रहा, तो वो ऐसा क्या रीज़न है कि आपका जो वीडियो है वो वायरल नहीं हो रहा है। तो मैं आज आपको ऐसे 5 टॉपिक्स बताने वाला हूँ इस वीडियो में जिसके ज़रिए आप जो है अपना वीडियो वायरल कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप करिए शुरू से लेकर लास्ट तक आप ज़रूर देखिए। तो हम चलते हैं हमारे सबसे पहले पॉइंट पे, तो वो आता है कैमरा एंड गैलरी। जी फ्रेंड, कैमरा एंड गैलरी, तो आप सोच रहे होंगे मैं क्या बता रहा हूँ। तो फ्रेंड, अगर आप अपना वीडियो स्नैक वीडियो जो ऐप है उसके अगर कैमरे से अगर आप वीडियो शूट करके अगर अपलोड करते हैं, तो उसमें आपके चांस ज़्यादा होते हैं कि आपका वीडियो जो है वायरल हो जाए, क्योंकि उसमें आपका जो वीडियो है वो स्नैक वीडियो जो ऐप है वो खुद प्रमोट करता है, क्योंकि उसी के कैमरे जो है आपने वो वीडियो शूट किया है और फिर अपलोड किया है, ना कि आपने गैलरी में से लिया है। तो वो उसमें जो है स्नैक वीडियो ज़्यादा सजेस्ट करेगा और लोगों के पास उनका वीडियो, क्योंकि उसी कैमरे से वो वीडियो बना है। दूसरी बात, अगर आप मान लीजिए आपने गैलरी से वीडियो अपलोड किया, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपका वीडियो लाइक या फिर फॉलोअर नहीं आएंगे या फिर वायरल नहीं होगा, लेकिन उसमें चांस कम होते हैं, जबकि अगर आप इसने वीडियो ऐप के कैमरे से अगर वीडियोस बनाते हैं तो उसमें आपके चांस ज़्यादा होते हैं। अगर मान लीजिए आपके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, तब आपको जो है अगर आपने गैलरी से वीडियो अपलोड किया है तो उसमें आपको अच्छे लाइक्स और जो है फॉलोअर्स और मिल जाते हैं, बट लेकिन आपके अगर फॉलोअर्स कम हैं और आप चाहते हैं वीडियो वायरल करना, तो आप इसने वीडियो ऐप का जो कैमरा है उसी से वीडियो बनाए और शूट करें और आप उसी से जो है अपलोड करें, तभी आपका जो वीडियो है वो वायरल होने के चांस ज़्यादा होते हैं। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो आता है क्लियरिटी। जी फ्रेंड, मान लीजिए आपने इसने वीडियो आपके जो कैमरे से शूट किया, बट लेकिन आपका जो फेस है वो अच्छे से नहीं आ रहा हो या पीछे का जो बैकग्राउंड हो वो कुछ भी ऐसा ही हो, तो आप क्लियरिटी का अपना जो वीडियो का क्लियरिटी है उसका ध्यान रखें कि मैं अपनी वीडियो को क्या क्लियरिटी दे रहा हूँ, क्या क्वालिटी दे रहा हूँ, क्योंकि उस पर बहुत डिपेंड करता है आपका वीडियो। अगर मान लीजिए आपकी वीडियो की क्वालिटी है वो ख़राब है, तो आपका वीडियो जो है वायरल होने के चांस बहुत कम होते हैं। अगर आपकी वीडियो की क्वालिटी अगर अच्छी खासी है और आप जो है अच्छा एक क्लियरिटी दे रहे हैं उसमें, तो आप जो है आपका जो वीडियो है वो वायरल होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी है उसका खास तौर पर ध्यान रखें। इसके बाद में फ्रेंड, हमारा जो तीसरा टॉपिक आता है वो आता है हैशटैग। जी फ्रेंड, तो हैशटैग आज इस समय जो है वीडियोज़ के लिए बहुत ही मायने रखते हैं, क्योंकि हैशटैग के ज़रिए आपका वीडियो ज़्यादा वायरल होता है। जी फ्रेंड, तो अगर आप जो है इसने वीडियो ऐप के अगर डिस्कवरी में जाएंगे, तो आप वहाँ देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे हैशटैग मिल जाएंगे पॉपुलर, जिनमें से आप चाहें तो 4-5-6 जो है हैशटैग यूज़ कर सकते हैं अपने वीडियोस के लिए। क्योंकि फ्रेंड, अगर आप अपने वीडियोस में हैशटैग नहीं डालते हैं, तो आप हो सकता है आपका वीडियो ज़्यादा लोगों तक ना जाएँ। अगर आप अपने वीडियोज़ में जो है हैशटैग यूज़ करते हैं, तो हैशटैग क्या है, लोग बाग कीवर्ड सर्च करते रहते हैं, जिसके ज़रिए आपका वीडियो उनके पास चला जाता है और आपके जो वीडियो हैं वो वायरल होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके बाद में फ्रेंड, हमारा जो चौथा वाला टॉपिक आता है वो आता है लोगो एंड वाटर मार्क। जी फ्रेंड, अब मान लीजिए आपने वीडियो शूट किया किसी ऐप से और उसमें जो है वाटर मार्क आ रहा है और आपने जो है उस वाटर मार्क को इरेज कर दिया, बट लेकिन आपने जो है अपलोड कर दिया, तो उसके चांस भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं कि आपका वीडियो वायरल नहीं हो रहा हो। बट लेकिन फ्रेंड, अगर आप इसने वीडियो ऐप के कैमरे से ही अगर वीडियो शूट करके अपलोड करते हैं, तो उसमें आपके चांस बढ़ जाते हैं। तो आप ऐसा कोई ऐप यूज़ ना करें जिसके ज़रिए आप जो है वीडियोज़ बना रहे हो और उसमें जो है वाटरमार्क आ रहा हो। इसके बाद में फ्रेंड, हमारा जो पांचवा टॉपिक आता है वो आता है ट्रेंडिंग सॉन्ग। जी फ्रेंड, तो अगर आप पुराने सॉन्ग के ऊपर अगर वीडियोज़ बना रहे हैं, तो उसमें आपका जो वीडियो वायरल होने के चांस कम होते हैं, क्योंकि लोग बाग उस सॉन्ग को जो है सुन सुन के परेशान हो जाते हैं।
तो अगर कोई न्यू सॉन्ग अगर आज चल रहा है जिसपे जो है काफ़ी सारी वीडियोस बन रहे हैं, तो आप उसी सॉन्ग पे जो है वीडियोस बनाएं और आप उसी सॉन्ग का जो है वीडियोस अपलोड करें, और जिसके जरिए आपको जो वीडियो हैं वो वायरल होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप ये पाँचों टॉपिक अपनी वीडियो में ज़रूर यूज़ करें ताकि आपका जो वीडियोज़ है वो वायरल हो जाए। तो बस फ्रेंड, इस वीडियो में केवल इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निंद्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड फ्रेंड, वीडियोस के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड फ्रेंड, बाय बाय।